साथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मिड डे बिस्किट खाने से 181 स्कूली छात्रों की तबीयत बिगड़ी, 9 छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है। छत्रपति संभाजीनगर के जिला परिषद स्कूल में हुई घटना। छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी और अचानक उन्हें बुखार आ गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मिड डे मील का बिस्किट खाने से 181 स्कूली छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 9 छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इन बिस्कुटों को खाने के बाद छात्रों को मतली और उल्टी होने लगी, जबकि कई छात्रों को अचानक बुखार आ गया। इन 9 छात्रों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से उन्हें इलाज के लिए संभाजीनगर स्थानांतरित कर दिया गया है। छात्रों को 2 एम्बुलेंस के साथ संभाजीनगर सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है और कुछ और छात्रों की हालत बिगड़ने की सूचना है। यह घटना छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठन तालुका के केकट जलगांव में जिला परिषद स्कूल में हुई है। शनिवार का दिन होने के कारण स्कूली बच्चों बिस्किट बांटे गए थे। इन बिस्किटों को खाने के बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी और अचानक से उन्हें बुखार आ गया। सभी छात्रों को इलाज के लिए पचोड़ के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से कुछ छात्रों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से उन्हें संभाजीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों के लिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, जिससे उन्हें संभाजीनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। इस मामले में अभी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में ये पता नहीं चल पाया है कि इस संबंध में किस प्रकार की जांच चल रही है। इसी महीने पालघर में 70 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, जिनमें स्कूली छात्र भी शामिल थे। पालघर के दहानु आदिवासी विकास परियोजना के तहत केंद्रीय रसोई से स्कूल में खाने की आपूर्ति की गई थी। रात के वक्त आश्रम स्कूल के बच्चों ने खाना खाया और अगले ही दिनों में उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।